नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 वर्सेस Samsung Galaxy A4 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 में 6.47 इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 में 184.5 ग्राम्स जबकि Samsung Galaxy A4 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 12 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 में AMOLED जबकि Samsung Galaxy A4 में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 में 6.7 इंचेस जबकि Samsung Galaxy A4 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 में 1080x2400 और Samsung Galaxy A4 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 में 86.06% जबकि Samsung Galaxy A4 में 80.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A4 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 में Mali G52 MC2 जबकि Samsung Galaxy A4 में Mali G52 MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 में MediaTek Helio G88 और Samsung Galaxy A4 में Samsung Exynos 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Samsung Galaxy A4 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Samsung Galaxy A4 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 में अप टू 512GB जबकि Samsung Galaxy A4 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 12 में Android V11 जबकि Samsung Galaxy A4 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Samsung Galaxy A4 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 12 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A4 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, तीसरा शाओमी रेडमी नोट 11T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y15S 2021 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।